रखे हैं चावल मसूरी में तो लास्ट में जाएगा चावल है नहीं सो चावल को ऐसे बांध के रखे रहते हैं के साथ जो स्पेशल इंटेलिजेंस इनपुट के साथ जो ऑपरेशन किया है उसमें सफलता मिली है। देखिए चार वेपन मिले हैं, इससे जाहिर है कि चार लोग कम से कम मारे गए होंगे। रात के अंधेरे में दो डेड बॉडी ये लेकर आए हैं, दो डेड बॉडी इसको संभवतः माओवादी ले गए होंगे और तीन लोग घायल हैं ऐसा लगता है। कुल मिला के 11 की पार्टी थी ऐसा पता चलता है जब एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। उसमें अगर देखें तो चार प्लस तीन घायल, तो ये बड़ी सफलता है इस टीम की और इसकी प्रोफेशनल की। बड़ी बहादुरी के साथ उन्होंने जब गोली चलना शुरू हुआ तो किस तरह से उसको होल्ड किया है। और एक और विशेष बात यह है कि यहाँ पे जो SLR मिली है और एक 303 मिली है और एक वो G3 राइफल है जो कि अमेरिकन मेक की है और पाकिस्तान आर्मी इसको इस्तेमाल करती है। एक हमें सुकमा में मिली थी एक ऑपरेशन के दौरान और ये दूसरी है आज कांकेर में मिली है। ये बड़ा वेपन है और ये बांग्लादेश वार में पाकिस्तान वार आर्मी ने यूज़ किया था। अमेरिकन मेक बहुत ही अच्छी असॉल्ट राइफल कहना चाहिए इसे, G3 वो भी इसमें मिली है। तो कुल मिला के हर दृष्टि से, और दो कमांडर मारे गए हैं, एक 5 लाख का इनामी है और एक 1 लाख का इनामी है। दोनों की काली वर्दी थी जो कि माओवादियों में जो बड़े कमांडर होते हैं उनको मिलती है।